How are you? I hope you are fine and enjoying the videos. In previous video, I tell you the accounting treatment of reserve and accumulated profit when there is a change in profit sharing ratio. In this video, we cover the accumulated losses. बेटा मैंने पिछली वीडियो में आपको कहा था कि जो accumulated profit होते हैं उनको all partners में all ratio में distribute करते हैं. तो इन केस ऑफ लॉस, लॉस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन द ओल्ड रेशियो. रीजन सेम ही रहेगा कि जो आपका लॉस हुआ है वो जो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसके इफेक्ट से पहले हो जाएगा. तो आपने एंट्री क्या करनी है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि जो आपका रिजर्व होता है वो क्रेडिट होता है तो उसको डेबिट करते हैं. यहाँ पे लॉस डेबिट है तो यहाँ पर इसको क्रेडिट कर देंगे. और यहाँ पर आप लोग चीज देख रहे हैं कि मैं आपको कैपिटल और करंट अकाउंट में कह रही हूँ. बेटा इस चीज का ध्यान रखना कि कैपिटल अकाउंट को जब कंसिडर करना है जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल होगी, और करंट अकाउंट को ऑलवेज कंसिडर करना है व्हेन देयर इज अ फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. आई होप यू अंडरस्टैंड. नाउ द वी कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. तो बेटा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, इसका मीनिंग को क्लियर करेंगे पहले. दिस रिजर्व इज आल्सो क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट. ये दिस कंपनसेशन इज गिवन टू द एम्प्लॉयज, यानी कि जो ये रिजर्व है हम प्रॉफिट में से बाहर रखते हैं, इसमें इसका यूज हम कंपनसेशन के लिए करते हैं एम्प्लॉयज के लिए. और ये कंपनसेशन कब दिया जाता है, व्हेन एम्प्लॉय मेट विद एन एक्सीडेंट ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, यानी कि जब किसी एम्प्लॉय की काम करते समय कोई दुर्घटना हो जाए तो उसको उसके एवेज में उसके बदले में उसको वर्कमैन कंपनसेशन दिया जाता है. आई होप यू अंडरस्टैंड. दो सिचुएशन रखी हुई है, इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो द मीनिंग ऑफ रिजर्व एंड क्लेम. बट रिजर्व वो होता है जो प्रॉफिट में से अलग रखा जाता है, और क्लेम वो होता है जब उस में एम्प्लॉय एक्सीडेंट से मैट हो गया और आपने उसको पैसे देने. तो याद रखना, क्लेम में आपने पेमेंट करनी है, रिजर्व में आपने प्रॉफिट का रखा हुआ है. तो फर्स्ट कंडीशन ये है कि इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यानी कि आपका रिजर्व सेफ है, सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं. देन रिजर्व विल बी क्रिएटेड टू कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही इसको बांटना है. तो जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है, मेनली तीन नंबर का क्वेश्चन आता है. तो इसमें जर्नल एंट्री होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. ध्यान रखना ये रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में. अब यहां पर सेकेंड जो आती है वहां पर आता है कि व्हेन क्लेम फॉर वर्किंग कंपनसेशन एग्जिस्ट, यानी कि एग्जिस्ट है कम ज्यादा या इक्वल. ये तीन कंडीशन होती हैं, मैंने इसमें तीनों अलग अलग बताई हैं कि व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम विल डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी, कि कितनी पेमेंट करनी है. अब यहां पर तीन है, इक्वल हो सकती है, कम हो सकती है और ज्यादा हो सकती है. तो पहले मैं ले रही हूं इक्वल का. एस्टिमेटेड वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. आर यहां पर होगा रिजर्व के लिए, सी मैं यूज करूंगी क्लेम के लिए. देन होल अमाउंट ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट. कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट. पहले भी मैं आपको समझा रही हूं, फिर एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी करके दिखाऊंगी. तो इस वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें. उसके बाद है व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, सी लिखा है तो क्लेम इज लेस देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व. द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम इज ट्रांसफर टू क्लेम अकाउंट एंड बैलेंस इज क्रेडिटेड टू पार्टनर एंड करंट अकाउंट इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. मान लो एग्जाम्पल है कि आपका क्लेम है, आपके पास रिजर्व रखा हुआ है 1,00,000 रुपए का, और आपका क्लेम आया है 60,000 का. तो 40 एक्स्ट्रा हो गए ना, तो 40 कहां पे बांट देंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में. आई होप यू अंडरस्टैंड. तो एक बार एंट्री देख लें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. सेकेंड कंडीशन, व्हेन वर्कमैन कंपनसेशन इज मोर देन द क्लेम रिजर्व, यानी कि आपका कंपनसेशन क्लेम ज्यादा है. तो इसमें क्या करेंगे, द अमाउंट ऑफ रिजर्व टूगेदर विद द अमाउंट ऑफ एस्टिमेटेड क्लेम ओवर एंड अबव द अमाउंट ऑफ रिजर्व इज क्रिएटेड टू प्रोविजन वर्कमैन कंपनसेशन
क्लेम। इसमें क्या है बेटा, मान लो अगर मैं आपको एक एग्जांपल से समझा रही हूं, अभी हमने प्रीवियस कंडीशन में 1 लाख का क्लेम किया, अब आपको मान रिजर्व रखा और क्लेम उसमें आपका 1,20,000 का आ जाए, तो 20,000 आपको लॉस हुआ ना, तो वो भी हमने पार्टनर से ही लेना है। लेकिन इसमें दो पार्ट्स में एंट्री करेंगे, क्योंकि यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट डायरेक्टली नहीं रिवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि यहां पर जो ये चैप्टर शुरू हुआ है उसमें अब आपका रिवैल्यूएशन यूज होगा। रिवैल्यूएशन होता क्या है वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी मैं आपको, फिलहाल अभी वर्कमैन कंपनसेशन देखेंगे। तो यहां पर द लॉस मस्ट बी बॉर्न बाय ऑल द पार्टनर इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। नाउ द एंट्री विल बी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूएशन मींस रिवैल्यूड द असेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द फर्म, फिलहाल इतना, टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। तो ये जो लॉस होएगा रिवॉल्यूशन वाला, ये पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि पार्टनर कैपिटल अकाउंट को कम कर देगा, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। तो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा प्रैक्टिकली, जो मैं आपको समझाना चाह रही हूं। पहले क्वेश्चन समझेंगे। इसमें क्या है कि ए और बी दो पार्टनर्स हैं 2:3 में, ओल्ड रेशो में। इन्होंने इन फ्यूचर फ्रॉम 1 अप्रैल से डिसाइड किया कि दे विल डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट इन इक्वल रेशो, यानी कि 1:1। और यहां पर आपको बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व गिवन है 40,000 का। क्लियर हो गया? तो इसमें चार कंडीशन रखी है। पहली, इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन। दूसरी, इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड 25,000। इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड 40,000। इफ क्लेम इज एस्टिमेटेड एट 50,000। क्लियर बेटा? पहली कंडीशन थी हमारी कि सिर्फ आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो जब कोई और इंफॉर्मेशन नहीं हो तो ये सारा का सारा रिजर्व पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 40,000 टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल ओल्ड रेशो में, जो कि इनकी रेशो है 2:3। तो अमाउंट आई 16,000, 24,000। आई होप यू अंडरस्टैंड द एंट्री। सेकेंड है आपकी, जब आपको एस्टिमेटेड दिया हुआ है 25,000 का, ठीक है, तो वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट डेबिट 40,000 टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 25,000। रिमेनिंग आपका जो रह गया 15,000 का, वो ए और बी में उनकी 2:3 में डिवाइड कर देंगे, 6,000 और 9,000। आई होप यू अंडरस्टैंड। थर्ड कंडीशन में मैंने कहा था कि जब वो पूरा का पूरा क्लेम कर लेते हैं, तो सिंपल है, रिजर्व का सारा पैसा आपका क्लेम में ट्रांसफर हो जाएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 40,000। लास्ट कंडीशन कि जब आप लोगों की आपकी क्लेम ज्यादा हो। अब यहां पर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो 40,000 है, लेकिन क्लेम आपका 50,000 का है, तो ये 10,000 का आप कहां से ले लेंगे, रिवॉल्यूशन लॉस में से। तो आपका ये लॉस भी कौन बियर करेगा, पार्टनर्स। तो लॉस ऑन रिवॉल्यूशन अकाउंट को, सॉरी यहां पर आपका पार्टनर्स बियर करेंगे, तो एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 4,000, 6,000 टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि वहां पर हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट किया है, तो यहां पर इसको खत्म करने के लिए हमें 10,000 से क्रेडिट करना है। आई होप यू अंडरस्टैंड द ऑल द एंट्रीज एंड ऑल द क्वेश्चंस। ओके, इफ यू लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।